So, बेटे, we were doing the chemical properties of halogens. Again, to start with, we have done nucleophilic substitution reaction, and we have seen that halogens doesn't undergo nucleophilic substitution reaction as fast as haloalkanes undergo. Close the book, बेटे. Close it. So halogens doesn't go nucleophilic substitution reaction as fast as haloalkanes. So we have done one or two, and we have seen the effect of electron withdrawing group. कि अगर electron withdrawing group benzene के ऊपर लगा देते तब ये nucleophilic substitution reaction बहुत fast जाता है. ठीक है, कल हमने तीन nitro group जगाए और हमने कहा कि हम warm करके ये reaction को कर सकते हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो आपको ये बताया गया था कि बेंजीन की ये क्वालिटी है, ये नेचर है, बेंजीन जाते ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, आपके सिलेबस में चाहे हेलोरीन्स हैं चाहे वो फिनॉल हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी, क्योंकि दोनों में ही बेंजीन के ऊपर हैलोजन या बेंजीन के ऊपर OH लगा है. तो यू आर डूइंग हैलोअरीन्स. तो हैलोअरीन्स अंडरगो न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू हैव डन हैलोजनेशन यस्टरडे. ठीक, in which as chlorine is ortho para directing, जो भी ring में electron release कर रहा है plus R के कारण, तीन दिन हो गए मुझे plus R समझाते हुए, so you should know now plus R. ठीक, जो ring के अंदर electron गिर रहा है due to plus R, तो वो ortho और para directing है. That is ortho and para directing. And para product will be the major one, as there will be less steric hindrance. ठीक, para major बनता है क्योंकि steric hindrance क्या होती है, कम होती है. In the same way you will do nitration. You will do better nitration in the same way. Again, the para product will be the major one, and minor will be the ortho. And ortho has a less, ortho has a more steric hindrance as compared to para. In the same way, you can do sulfonation. Again, you will get the product. ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हो, जब ऊपर ऑलरेडी क्लोरीन लगी है बेंजीन के ऊपर, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो या पैरा. ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रोफाइल में फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन ही क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आप CH3Cl ही क्यों नहीं लेके आ रहे हो.
दिस इज फीडर एल्काइलेशन. जब भी ऐसी रिएक्शन करते हो तो आपको ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल मिल रहा है. ठीक है, एक ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटे, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद द मेटल्स. सो वी हैव डन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो अरीन इज रिएक्शन विद मेटल्स. You have done already Wood's reaction, don't you? You are doing from the class plus one, and you have done in class plus two also, in which you have reacted two moles of RX with sodium in the presence of dry ether, और आपको alkane मिलती है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो इसे हम Wood's कहते थे. मैं पहले Wood's लिखूँ आपके लिए, RX plus Na plus RX. Dry ether. This was a chemical property of haloalkane. ठीक है, this was the chemical property of. ये chemical property हमने haloalkane में करी थी. इसे Wood's reaction कहा गया था. अब अगर हम ये ना लेके, दिस इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन. वुड्स अकेली जब आप हैलो एल्केन लेते हो, वुड्स फिटिंग उसको कहा जाता है जब आप अकेली हैलो अरीन लेते हो. मीन्स अगर आप बेंजीन के ऊपर मान लो कोई भी सीएल लगा दो, ठीक, इन द सेम वे ये दोनों आपस में लिंक होंगे. जैसे ये दो आर लिंक हुए थे, अब ये दो बेंजीन लिंक होंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल. डोंट फॉरगेट टू राइट ड्राई ईथर एज सोडियम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा. ओके, सो दिस इज अगेन अ नेमिंग रिएक्शन. जहां पे नेमिंग वहां पे इंपॉर्टेंट. प्लीज ट्राई टू राइट डाउन बेटे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यू हैव नोट्स, आई नो यू हैव नोट्स, यू आर गोइंग लॉट्स ऑफ ट्यूशंस, बट व्हेन यू विल राइट, आपको वो चीज हमेशा ऑर्गेनिक देखने से नहीं आएगी, नहीं आनी. स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले, नहीं आनी. पेपर में मैंने दे दिया कन्वर्ट ब्रोमो बेंजीन टू डाइफिनाइल, ब्रोमो बेंजीन नहीं बनाना आना. सीधा थोड़ी ना फिटिंग रिएक्शन लिख दूंगी मैं वहां पे, मैं क्लोरीन की जहां पे यहाँ पे ब्रोमो कर दूंगी, कुछ भी कर दूंगी. एक्स है, एक्स ग्रुप कैन बी एनीवन. I can change any way the way. ठीक है, अब वुड्स अकेली थी बेटे, फिटिक ये होगी. अब दोनों को मिक्स करो तो बनती है वुड्स फिटिक. अब इधर मैं कोई भी आर एक्स ले लूं तो इसे मैं बोलूंगी अब वुड्स फिटिक बन गई. ठीक, यू विल गेट बेंजीन के ऊपर आर लगा हुआ. लाइक आर कैन बी एनी, आर कैन बी एनी. They have taken X here, you will take X here.
सो अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, टॉलुइन, दिस इज टॉलुइन। तो पेपर में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू टॉलुइन। दिस आर एमसीक्यूज बेटे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज बीइंग रिएक्टेड विद मिथाइल क्लोराइड। दिस इज वन मार्क्स, एनी वे दे कैन आस्क। सो यू शुड नो कि वुड फिटिंग में हम क्या ले रहे हैं, हम एक हेलो अरीन ले रहे हैं, उसको एक हेलो एल्केन से रिएक्ट कर रहे हैं। हेलो एल्केन, एल्केन कुछ भी, मे बी इट इज मिथाइल, मे बी इट इज इथाइल, मे बी इट इज प्रोपाइल। अगर मैं यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लूँ तो इट विल बी इथाइल बेंजीन। अगर मैं प्रोपाइल क्लोराइड ले लूँ, इट विल बी प्रोपाइल बेंजीन। एनी ऑफ द, ये सीधी रिएक्शंस नहीं है बेटे। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, नो वन विल यू आस्क द एंड प्रोडक्ट ऑफ वुड फिटिंग। इतना सरल पेपर नहीं आने वाला। दे विल बी आस्किंग यू व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज वुड्स फिटिंग व्हेन यू विल रिएक्ट अ हेलो एल्केन विद हेलो रीन, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। माइंड इट ऑलवेज, व्हेन मेटल इज प्रेजेंट यू विल राइट ड्राई ईथर लाइक सोडियम लाइक मेटल। अगेन एंड अगेन एंड सेम, गिग्नाल्ड रिएजेंट बनाओ, पहले भी बना चुके हो। गिग्नाल्ड रिएजेंट क्या होता है? गिग्नाल्ड रिएजेंट, What is Grignard reagent? Tips पे होना चाहिए। It is a reagent, alcohol phenol में हम ऐसे use करेंगे। RMGX, RMGX is a Grignard reagent. अगर याद हो आर एम जी एक्स हमने कैसे बनाया था, वी हैव टेकन दिस विद मैग्नीशियम एंड यू हैव गेट दिस वन। और मैंने आपको बोला था कि आर एम जी एक्स हमेशा ड्राई कंडीशन में ही बनाया जाता है। क्यों? व्हाई? गिनाल्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस, बिकॉज गिग्नाल्ड रिएजेंट को थोड़ा सा भी वाटर मिले, इट विल फॉर्म एल्केन्स, इफ यू रिमेम्बर। सो गिविंग वाटर, या हम कहते हैं कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब है जो एच प्लस दे। प्रोटोन क्या है? अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्रोटोन ही बचता है, तो इसे प्रोटोन ही कहते हैं। H plus is also known as proton. You know it? H plus is also known as proton. Now protic solvents are those which give H positive. What the point? So this is Grignard reagent. If you can prepare for haloalkane, you can prepare from halorine also. So prepare from halorine. Halorine kya hai? Benzene ke upar Cl lagao. Chalo hurry up. बेंजीन के ऊपर सीएल लगाओ अपने आप, जल्दी उसको एमजी के साथ ट्रीट करो। क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे? बेंजीन के ऊपर सीएल प्लस एमजी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज आल्सो गिग्नाल्ड रिएजेंट विद आर की जगह पे फिनाइल। क्या बना लिया? बनाओ अपने आप, थोड़ा हाथ भी चले आपके। अगर ये रिएक्शन नहीं लिखी गई ना आपसे और बोर्ड पे एग्जांपल होने के बावजूद, तो सोच लो आपको क्या होना।
अरे बेटे मैंने CH3 की जगह पे फिनाइल ले आई बस। अब जहां पे यहाँ पे CH3 है वहां पे फिनाइल आ जाएगा। दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। Now next is Ullmann reaction. This is again a naming reaction. Again जैसे कि फिटिक रिएक्शन में अभी आपने पीछे लिखी होगी तो आपने डाइफिनाइल बनाया है फिटिक पे। दो क्लोरोबेंजीन लिए हैं उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया है तो आपको डाइफिनाइल गिवन है। ठीक है Ullmann reaction में जो आपने लेना है दैट इज आइडोबेंजीन ऑलवेज। और आपका जो मेटल है वो कॉपर है और प्रोडक्ट वही बनेगा दैट इज डाइफिनाइल। ठीक है चैप्टर खत्म हो गया। हेलो एल्केन हेलो रीन्स हैंस फिनिश्ड। इसके बाद यूजेस वगैरह थी दैट वो हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस। होप यू हैव गोन थ्रू द सिलेबस एज आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है सो दिस यूजेस एंड ऑल द डिडक्टेड सो आई समराइज द चैप्टर फॉर यू व्हाट यू हैव डन इन दिस चैप्टर। लिसन टू मी केयरफुली द चैप्टर स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक no doubt you start with the nomenclature that you have done in class plus 1. We are not here to do nomenclature of each and every chapter which has been already studied. So the chapter start with the preparation mein you have prepared from alcohols. When you have prepared from alcohol, you have treated alcohol with HX. You have treated alcohol with PCl5 or PCl3. And you have treated alcohol from this. ये पहली preparation थी chapter में। ठीक है Alcohol लिए थे हमने ये alcohol। इनको इनके साथ treat किया था। ठीक है सो दिस इज बेटे अल्कोहल। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HX PCl5 PCl3 एंड थायोनाइल क्लोराइड। ठीक अब जब ये प्रिपरेशन करोगे तो आपने ये ध्यान रखना है एक ये प्रिपरेशन आपने करनी है और एक दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ नेमिंग रिएक्शन डार्सन प्रोसेस। डार्सन प्रोसेस में पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट हम बना क्या रहे हैं हेलो एल्केन। हम बना क्या रहे हैं ये उड़ जाते हैं दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं वो उड़ जाते हैं इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है। तो छोड़ दे मत करियो अच्छा लीव इट ये लास्ट में करियो जब तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो तुझे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आ गई हो। क्यों बेटे क्योंकि ये देखो ये तो नेमिंग रिएक्शन है
ये एल्कोहल्स की जब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं तब करते हैं, इट इज अ ल्यूकस रिएजेंट ग्रूस प्रोसेस। अगर हमें कन्वर्जन चाहिए एल्कोहल से हेलोएल्केन्स की, तो हमारे पास दो ऑलरेडी हैं, हम तीसरे के साथ क्यों पंगा लें। बन्नी यहाँ पे भी हेलोएल्केन है, बट यू हैव टू रिमेम्बर द बाई प्रोडक्ट इन वन देयर इज फॉस्फोरस एसिड, इन अदर इट इज फॉस्फोरस ऑक्सोक्लोराइड प्लस HCl। तो आई हैव रेडी योर ब्रेन्स नाउ, फर्स्ट डू द इम्पॉर्टेंट वन एंड देन यू विल पिक दिस वन। ठीक, दिस इज अ डार्सन प्रोसेस एंड वेन यू ट्रीट एल्कोहल, इफ द एल्कोहल इज प्राइमरी एल्कोहल, इफ द एल्कोहल इज प्राइमरी एल्कोहल, वट इज प्राइमरी एल्कोहल? वट इज प्राइमरी एल्कोहल बेटे? दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल जिसके साथ OH लगा है, जिस कार्बन के साथ, उसके साथ एक ही कार्बन लगी है। ठीक है, हाँ, डिग्री वन हो जाती है, वेरी नाइस। एक एल्काइल ग्रुप जिसके साथ लगा हो, दैट इज अ प्राइमरी। ठीक, जिसके साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे हो, दिस इज टू। ठीक है, व्हेन देयर आर थ्री एल्काइल ग्रुप देन देयर इज अ टर्शरी एल्कोहल। द कार्बन विद विच OH इज अटैच, इट इज अटैच टू थ्री कार्बन सी, दैट इज वाई इट इज अ टर्शरी। तीन तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। क्यों? बिकॉज इन टर्शरी अगर अगर OH निकलेगा तभी तो Cl आएगा बेटे। प्रिपरेशन कर रहे हो आप, OH बाहर निकाल रहे हो। अब इसको अगर मैं आर ओ एच की जगह पे मिथाइल एल्कोहल ले लूं, लेट मी टेक इथाइल एल्कोहल की प्राइमरी समझ आ जाए आपको, तो ये एल्कोहल कैसे बनेगा? यहां से OH निकलेगा तो यहां पे Cl आएगा। जब OH निकलता है तो क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही बनेगा। कार्बोकेटाइन, केटाइन आर दोज विच आर पॉजिटिवली चार्ज। कार्बोकेटाइन इज दोज व्हेन कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड यू नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इट इज टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। व्हाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, सो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो चीज स्टेबल बन रही है वो खुद भी खुद बन सकती है, उसके लिए आपको बाहर से कैटलिस्ट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब आप प्राइमरी एल्कोहल लेते हो तो आपको एनहाइड्रेस जिंक क्लोराइड देने की जरूरत पड़ती है, पता है आपको? और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रूस प्रोसेस। हाँ, मैंने कैटलिस्ट दे दिया बेटे, बेचारा कार्बोकेटाइन डजंट फॉर्म इजली। दिस बेसिक इन द प्राइमरी एल्कोहल यू गिव दिस कैटलिस्ट एंड HCl इज यूज एज अ गैस हेयर, नॉट एज एक्वस सोल्यूशन। ओके, सो यू विल गेट एन हेलो एल्कीन। यू विल गेट एन हेलो एल्कीन, गेटिंग माई पॉइंट? This particular reaction in which primary alcohol react with HCl gas in the presence of a catalyst, this is known as Bruce process. That is why this reaction is important. Then from hydrocarbons, what are hydrocarbons? Alkane, alkene, suna hua hai na ye baat? Very nice. From alkene, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यू हैव डन इन क्लास प्लस टेंथ आल्सो। प्लस वन की तो बात बाद में है, एक बड़ी अच्छी रिएक्शन करते थे मिथेन प्लस क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड है ना, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, टेट्राक्लोरोमिथेन। तो वो एल्केन से क्या बनाए थे आपने? हेलो एल्केन ही तो बनाई थी।
हम ये रिएक्शन क्यों करें, इतने सारे प्रोडक्ट लेके हम क्यों अलग करेंगे, हमने नहीं करनी ये रिएक्शन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव यू सो मैनी प्रोडक्ट्स. सो वेन यू विल ट्रीट एल्केन विद क्लोरीन यू आर गेटिंग सो सो मैनी प्रोडक्ट्स. यू गेट मोनो हैलोजनेट डेरिवेटिव डाई ट्राई टेट्रा. ठीक है, तो हम किससे बना सकते हैं, वी कैन सिंथेसाइज फ्रॉम एल्कीन्स. अगर हम एल्कीन से सिंथेसाइज करें तो ये क्या आ जाएगी, एल्कीन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है. डू यू नो इट इज अनसेचुरेटेड हैविंग अ डबल बॉन्ड, सो इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. यू आर अवेयर ऑफ इट, सो इट विल एड ऑन दिस. So you will get dichloro product. But you are not aware of it. इसी reaction को आप high temperature पे कर दो या in the presence of light. इसी reaction को तो addition reaction नहीं होती. You will do 773 Kelvin पे इसको अगर heat करोगे तो यहां पे ये एडिशन नहीं जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन जाएगा, वो भी इस डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं. दिस इज नोन एज अलाइलिक पोजीशन. क्या कहते हैं इसको, अलाइलिक पोजीशन. ये वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी और इसकी जगह पे क्लोरीन आएगी. तो आपको आपको अलाइल क्लोराइड मिल जाएगी. दिस इज नोन एज अलाइल क्लोराइड. And this reaction is again very much important. ये तो importance नहीं रखती इतनी जितनी ये रखती है, क्योंकि ये भी conversions में use होगी. This is known as allyl chloride. याद रखो कभी भी किसी भी halogen को आप ऐसे करवाओगे तो add होगी. जैसी आप light देते हो, जब भी जिस arrow के ऊपर light लिखी होती है तो generally it is a substitution reaction. Very important. It is not coming as such ki react alkene propene with chlorine and what is the product. It will use in the conversion in between somewhere. This is reactive with this, this is reactive with that, and this will form. Okay. इसके अलावा आपको अगर याद हो मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, उसमें भी आप हेलो एल्केन्स ही बनाते थे. जब आप HX ऐड करवाते हो एल्कीन में तो क्या आपको हेलो एल्केन्स नहीं मिलेंगी. जरा करवाओ एल्कीन में लो प्रोपीन और HCl ऐड कराओ. चलो हरी आप टेक प्रोपीन एंड HCl ऐड करवाओ. हरी आप टेक प्रोपीन एंड HCl ऐड कराओ. चलो हरी आप कैसे ऐड करवाओगे. डू यू हैव हर्ड अबाउट मार्कोनिक ऑफ रूल, व्हाट डज इट सेड. सो यू शुड हर्ड अबाउट बेटे, यू आर इन नाउ क्लास 12, दिस इज क्लास 11 कॉन्सेप्ट. What does Marconic of rule state? सिर्फ क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है. Negative part of adding on species go towards that carbon atom which have less number of hydrogen. HCl है, HCl में negative part क्या है, Cl या hydrogen? Cl अब double bond के across addition होनी है, होनी है. It is an unsaturated hydrocarbon. It will undergo addition reaction. So double bond ke across hogi. Ab is double bond ke across dekho kis carbon ke paas hydrogen kam hai. Zara dekho zara. CH. Wahan pe aap chlorine lagaoge aur saath wali carbon pe hydrogen. To aap banaoge 2 chloropropane. Banao zara 2 chloropropane. Hurry up.
you are not able to draw the 2-chloropropane in the film, start doing again. Yes, Manya, you are right. But I was expecting answer from the offline student. See, she is online always attentive. Usne answer bata diya, what is Markovnikov food? Theek? Magar, aapko ek anti-Markovnikov rule yaad hai? Kab lagta hai wo? एंटी मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ HBr की प्रेजेंस में लगता है, पर ऑक्साइड साथ में होती है और लाइट भी साथ में होती है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे HBr सिंपल रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास वही प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने यहाँ बनाया है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे होना चाहिए. Br नेगेटिव वहां गया जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे. मगर यही रिएक्शन अगर HBr को रिएक्ट करवाएं लाइट की प्रेजेंस में और साथ में पर ऑक्साइड दे दें, तो यही रिएक्शन हमारी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगी. मगर इसका मतलब क्या है, अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1-bromopropane बनेगी, 2-bromopropane नहीं बनेगी. समझ आ रही है? अगर सिंपल ऐड करवाओगे तो 2-bromo है. जैसे ही आपने लाइट दी, पर ऑक्साइड दिया, वो क्या बन जाएगी, 1-bromopropane. और ये रिएक्शन पेपर में अगेन एज सच नहीं आती, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन में यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ भी कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट 2-bromopropane फॉर एग्जाम्पल इंटू 1-propanol, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो बीच में ये रिएक्शन आती है कहीं. Okay.